भाई साहब का फोन आया कि मैं बाहर से आ गया हूँ और इन्होंने यहाँ पधार के हमें गिरफ्तार किया। मैं सच बताऊँ आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने हम सभी साथियों की मंशा को, हमारी इच्छा को आपने सम्मान दिया, आपने आपका आभार। मित्रों, आज का दिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि आज हम झंडा फहराते हैं, लड्डू खाते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, कुछ भाषण होता है, ये तो नियमित पिछले साल से जब से हम लोग बड़े हो रहे हैं देखे। दरअसल ये एक दिन ऐसा है जब हमें आंख बंद करके कुछ सोचने का मौका मिलता है, कुछ अवसर मिलता है, आत्म अवलोकन का अवसर मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर बात पत्रकारिता जगत से जुड़े मित्रों की है, साथियों की है, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि 70 साल के देश में हमारी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भूमिका सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं है, हमें आलोचना से भी आगे जाना होगा। हमारी भूमिका, पत्रकारों की भूमिका, मीडिया की भूमिका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनने से नहीं चलेगी कि आप प्लेटफॉर्म बन जाए और जिसको जो आके कहना है कह जाए, इससे काम नहीं चलेगा। हमें रिएक्ट भी करना होगा और हमें रिजेक्ट भी करना होगा। अगर कुछ गलत है जो हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है, हम जिस जमीन पर रहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, अगर इसके हित में नहीं है, उसे रिजेक्ट भी करें। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, बहुत से साथी अक्सर ये कहते हैं कि साहब हम जिस कंपनी में, जिस संस्था में, जिस चैनल में काम करते हैं, उसकी पॉलिसी हम ये करने की इजाजत नहीं देते। हम लिख तो दें लेकिन छापे का कौन, हमारा संपादक ही तैयार नहीं, हमारा मालिक तैयार नहीं। लेकिन इसका एक रास्ता है, आप सभी को आरोग्य अपील करें, आप सभी को, आज वेब की दुनिया है, नेट की दुनिया है, आपके विचार लिखने से कोई नहीं रोक सकता, कोई कंपनी नहीं रोक सकती, कोई टीवी कंपनी नहीं रोक सकती, कोई आपके पैरों में बैड़ ही नहीं डाल सकता। आप विचार अपने अवश्य लिखें, खबर अपनी जिस चैनल में जैसे भेज रहे हैं भेजें, लेकिन विचार अवश्य लिखें और अपने संपादक को ये जरूर बताएं कि ये चीज गलत हो रही है। ये शायद हिंदुस्तान में ही संभव है कि जहां राष्ट्रगान गाने का लोग विरोध कर रहे हैं और हम उसकी बड़ी बड़ी खबरें छापे। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्रता, इतनी लिबर्टी, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है, वरना किसी देश में ये संभव नहीं है कि कोई राष्ट्रगान ना गाए, उसका ऐलान करे और हम उसका महिमा मंडन करें। ये संभव नहीं, कैसे संभव हो सकता? हम किस प्रकार की प्रजाति के रूप में विकसित हो रहे हैं? जिसका विरोध होना है, जो गलत है उसका विरोध करिए, जो गलत दिल से महसूस हो रहा है उसका विरोध करिए। और ये विरोध जब आप करोगे, क्योंकि मीडिया के लोगों की क्षमता ज्यादा है, रीच ज्यादा है, जब आप करोगे आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी, कन्वेंस होगी और बात को वहां तक आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकेंगे। बहुत लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, सारी कुछ बातें आदरणीय मुनीर जी के संबोधन में निहित होके आ चुकी है, मुझे तो बोलने की औपचारिकता के लिए खड़ा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के दिवस की, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, दोनों पर्व एक साथ है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।